हेलो गाइस, दिस इज अजय सिंह. सो नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अगेन न्यू चैप्टर विच इज कम फ्रॉम आर एनसीईआरटी फ्रॉम द क्लास 11th. ठीक है, हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर, यानी कि जो नया चैप्टर हम लेने वाले हैं वो है हमारा यहाँ पर एनिमल किंगडम. ठीक है, यानी कि कंप्लीट जो एनिमेलिया ग्रुप है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से स्टडी करने वाले हैं. ठीक, अब देखिए, एनिमल किंगडम की हम बात कर रहे हैं तो हमें अगेन इसके नेम से कंफर्म हो रहा है क्या कि यहां पर हम बात करेंगे एनिमल्स के बारे में. अब देखिए, डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी नेचर में क्या है, बहुत ज्यादा फैली हुई है. कैसी है, बहुत ज्यादा फैली हुई डाइवर्सिटी है. तो अब जितनी डाइवर्सिटी फैली हुई, यानी कि क्या होगा, ऑर्गेनिज्म जो होंगे, जो एनिमल्स होंगे, तो उनमें भी हमें कौन सी बहुत वैरायटी देखने को मिलेगी. ठीक, अब देखिए, सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं इनको अगर डाइवर्सिटी के हिसाब से हम बात करें तो हमें इन्हें क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है. ठीक है भाई, इन्हें बिना क्लासिफाइड करे हम कैसे इनकी स्टडी प्रॉपर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. तो इनकी स्टडी को प्रॉपर तरीके से करने के लिए हमने क्या करा, यहां पर एक ब्रांच बनी जिसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला टैक्सोनॉमी. क्या बोला, टैक्सोनॉमी बोला. अब देखिए, टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो भी एक ग्रीक वर्ड है. ठीक है, जो किससे आया, टेक्सस वर्ड से आया है. किससे आया है, टेक्सस वर्ड से आया है. तो टैक्सोनॉमी है क्या, देखिए, टैक्सोनॉमी और नोमेनक्लेचर ये दोनों वर्ड आ जाते हैं. तो टैक्सो और नॉमी, यानी कि टैक्सो का मतलब तो क्या हो गया, हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे. नॉमीज का मतलब क्या हो गया, यहां पर इसके हम स्टडी करेंगे. ठीक है, तो यहां पर जो टैक्सोनॉमी है वो क्या है, एक प्रकार की एक ब्रांच है. ठीक है, जहां पर क्या करते हैं, हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं. ठीक है, इनका नोमेनक्लेचर जो है वो करते हैं और इनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं. भाई, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें डीपली स्टडी करनी है, जानना है, तो हमें उसे क्लासिफाइड करना ही पड़ेगा. ठीक है, और जो उसके साथ के जो ग्रुप्स हैं उनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाइड करना पड़ेगा. आई बात समझ में? तो यानी कि एनिमल किंगडम में हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी की, और डाइवर्सिटी सबसे क्या किया, इनको क्लासिफाइड किया. कौन सी ब्रांच में, टैक्सोनॉमी की ब्रांच में. ठीक है, चलिए तो बात करते हैं किसकी, टैक्सोनॉमी की. टैक्सोनॉमी, ठीक है, तो टैक्सोनॉमी है क्या, यहां पर टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ क्लासिफिकेशन एंड द नोमेनक्लेचर एंड द नोमेनक्लेचर और द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन. एंड दिस इज नोन एज टैक्सोनॉमी, दिस इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, हम टैक्सोनॉमी बोल देंगे, टैक्सोनॉमी. क्लियर? तो टैक्सोनॉमी क्या, एक ब्रांच है साइंस की, जहां पे हम डील करते हैं क्या, क्लासिफिकेशन को, इनके नोमेनक्लेचर को और इनके प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन को. आई बात समझ में? तो इसको हमने क्या बोल दिया यहां पर, टैक्सोनॉमी बोल दिया. ठीक है, चलिए, जो टैक्सोनॉमी वर्ड है वो किसने दिया था, टैक्सोनॉमी जो वर्ड है ये कैंडोले ने दिया था. किसने दिया था, कैंडोले ने. सो टैक्सोनॉमी वर्ड वॉज कॉइंड बाय, वॉज कॉइंड बाय कैंडोले. किसने दिया था, कैंडोले ने दिया था. क्लियर है? आई बात समझ? चलिए फिर हम बात करें फादर ऑफ जूलॉजी की. ठीक है, तो हम जूलॉजी को डील कर रहे हैं यहां पर, तो फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं, एरिस्टोटल को बोलते हैं.
and the father of geology, the father of geology is Aristotle. किनको बोलते हैं हम? एरिस्टोटल को बोलते हैं. क्लियर? चलो अब देखो, एनिमल किंगडम के अंदर हमने दो तरह की कैटेगरीज के अंदर हम बात करते हैं भाई. एक तो कैसे होते हैं एनाइमा और एक होते हैं इनाइमा. मतलब एनाइमा से मतलब है जिनमें क्या होते हैं रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है. और एक होते हैं इनाइमा जिनमें क्या होते हैं रेड ब्लड प्रेजेंट होता है. तो अगर हम बात करें टू कैटेगरीज आर डिवाइडेड, ठीक है. फर्स्ट हम बात करें यहां पर तो एनाइमा इन विच द ऑर्गेनिज्म और एनिमल डजंट हैव रेड ब्लड, ठीक है. तो लोअर ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, इनके अंदर क्या होता है रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है ना, ठीक है. सेकेंड हम बात करें इनाइमा, इन विच द एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म हैव अ रेड ब्लड सेल्स, अ रेड कलर ब्लड, रेड कलर ब्लड, ठीक है. इसमें भी दो कैटेगरी डिवाइड हो जाएगी. कौन कौन सी? इसमें भी हम बात करें यहां पर एनाइमा के अंदर तो यहां पर जो दो कैटेगरी डिवाइड होगी उसको हम क्या बताएंगे यहां पर फर्दर दो कैटेगरी. एक होगा हमारा विवीपेरस, विवीपेरस, ठीक है. और दूसरा यहां पे होगा ओवीपेरस, ठीक है. तो विवीपेरस क्या होंगे जो क्या करेंगे सीधे यंग वन को बर्थ देंगे, हैं? क्या करेंगे दे बर्थ यंग वंस, ठीक है. जैसे हम किसकी बात करें फॉर एग्जाम्पल हायर वर्टिब्रेट्स की, हायर वर्टिब्रेट्स, ठीक है. लाइक एग्जाम्पल हो गए हम मैमल्स की बात कर ले, ठीक है. ओवीपेरस दे आर एगलिंग, कैसे होंगे ये एगलिंग होंगे, ठीक है. दे आर एगलिंग एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म, ठीक है. आई बात समझ में? जो क्या करते हैं एग देते हैं. जैसे हम बात करें यहां पर फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, ठीक है, एंड लोअर इनवर्टिब्रेट्स की. और यहां पर एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहां पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मैमल्स, ठीक है. क्लियर? चलो तो ये सिंपल सा एक ओवरव्यू था किसके लिए एनिमल किंगडम के लिए. अब देखिए एनिमल किंगडम चैप्टर में आपको फाइलम्स के बारे में बता रखा है, यानी कि हम बात करें कि लोअर लेवल से लेकर एक हायर लेवल तक यहां पर जो है फाइलम्स को बांटा गया है, फाइलम्स में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है. तो अभी जो फाइलम्स है इंपॉर्टेंट ये कौन कौन से हैं इनके बारे में हम डिस्कस कर लें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट डाउन हियर दैट इंपॉर्टेंट फाइलास, इंपॉर्टेंट फाइलम्स, ठीक है. अब ये इंपॉर्टेंट फाइलम्स कौन कौन से हो जाएंगे? वैसे आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहां पर इंपॉर्टेंट फाइलम्स कौन से देखे हैं? यहां पर आपको 11 फाइलम दे रखे हैं. कौन से 11 फाइलम? अगर आप 12 फाइलम की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम किसको कंक्लूड कर सकते हैं? प्रोटोजोन्स को कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन प्रोटिस्टा के ग्रुप को, लेकिन हम उसको नहीं कहेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आप जो आपका बॉटनी का चैप्टर है उसमें आप कंफर्म कंप्लीट कर लेते हैं,
ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम मेनली 11 फाइलास की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट फाइलास, ठीक है ना। कौन कौन से 11 फाइलास हो जाएंगे? फर्स्ट हम यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, ठीक है। सेकंड हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, पॉरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, ठीक है, फिर पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। थर्ड कौन सा हो जाएगा, टीनोफोरा, टीनोफोरा। तो पॉरी, सिला, टीना, ठीक है। एक ट्रिक बनाएंगे बहुत अच्छी वाली नाम याद रखने के लिए, क्या बोलेंगे इसको, पॉरी, शिला, टीना, क्या हो गया, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ठीक है, आई बात समझ में। फिर पॉरी, शिला, टीना। फोर्थ हम बात करें इसमें, फिर प्लेटी हेलमेंथिस, पॉरी, शिला, टीना, प्लेटी हेलमेंथिस, ठीक है। फिफ्थ हम बात करें यहां पर तो पॉरी, शिला, टीना, प्लेटी हेलमेंथिस, फिर निमेथे हेलमेंथिस या एस्केलमेंथिस भी बोलते हैं इसको हम, निमेथे हेलमेंथिस, ये क्या बोलते हैं, एस्केलमेंथिस भी बोलते हैं, हेलमेंथिस, ठीक है। पॉरी, शिला, टीना, प्लेटी, निमा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहां पर पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिस, निमेथो हेलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, और फिर आपका टीनोफोरा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिस, निमेथे हेलमेंथिस, एस्केलमेंथिस और आपका एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, पॉरीफेरा, शेलेंडेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिस, निमेथे हेलमेंथिस, एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा, ठीक है, और फिर कॉर्डेटा, ठीक है। तो पॉरीशिला, टीना, प्लेटी, निमा, क्लियर। चलो तो यहाँ पे 10 हो गए, ये एक रह गया, एक कौन सा मिसिंग रह गया, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एस्केलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस, निमेटोडा, निमेथेलमेंथिस हो गया, एनेलिडा हो गया, मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। एक बच्चों मिसिंग आ रहा है, कौन सा मिसिंग आ रहा है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, पॉरीशिला, टीना, निमा, प्लेटी, निमा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। चलिए अभी लिख लेंगे, थोड़ा सा दिमाग से आउट हो रहा है, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो फाइलास होते हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर 11 फाइलास होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 11 फाइलास होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल बात करी। एक फाइला बच रहा है हमारा अभी, रिमाइंड, अच्छा ये आपको विजिबल नहीं है, चलिए एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है हम इसको यहीं से लिख लेते हैं। रुकिए एक सेकेंड, 6, 7 हम बात करें आर्थ्रोपोडा, 8 मोलस्का, 9
इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, देन हेमिकॉर्डेटा एंड 11 इस कॉर्डेटा, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा हमारे दिमाग से स्लिप हो गया था, चलिए याद आ गया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एनकॉर्डेटा। तो ये मोस्टली जो 11 फाइलाज हैं, यहां पर हम वन बाय वन इन एक एक फाइलाज को हम यहां पर कवर अप करेंगे। आई बात समझ में, क्लियर? चलो अब देखिए, आपको सबको पता है कि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं जनरली, कि जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है, वो किसी भी हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, वो किससे मिलकर बना होता है? सेल से मिलकर बना हुआ होता है ना। यानी कि अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से बात करें, तो हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर है, वो किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से मिला बना हुआ, ठीक है। तो अब सेल्स में भी कैटेगरी हमें पता है, कौन कौन सी कैटेगरी की बात करते हैं। सेल्स के अंदर हम कैटेगरी की बात करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। आई बात समझ, किस किस की बात करते हैं? यूनिसेलुलर की और मल्टीसेलुलर की बात करते हैं। तो यूनिसेलुलर क्या होगा? यहाँ पे सिंगल सेल्ड होगा, जबकि मल्टीसेलुलर में क्या होंगे? एक से ज्यादा या दो से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो उनको हमने क्या बोल दिया? मल्टीसेलुलर बोल दिया, ठीक है। अब देखिए, मल्टीसेलुलर से हमारा मीनिंग क्या निकल के आता है, यूनिसेलुलर से क्या मीनिंग निकल के आता है। अब यूनिसेलुलर जो होंगे उन पे क्या होगा, एक तरह से हम बात करें बर्डन होगा, किस चीज का? सारे जो बॉडी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए उनके पास कोई स्पेसिफिक क्या है, किस तरह का, कोई हम कहते हैं कि स्पेसिफिक सेल्स नहीं है। यानी कि यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड है, तो उसी सिंगल सेल्ड को सारे एक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। जैसे हम बात करें, रेस्पिरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद डाइजेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद सर्कुलेशन भी परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद हम बात करें तो क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन भी परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी कि एक ही सेल के ऊपर क्या है, सारा का सारा बर्डन डला हुआ है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर है। अब नेचर को लगा, यार इसको तो ज्यादा बर्डन देना बेकार है, ठीक है। तो क्या हुआ, मतलब कहते हैं ना, आवश्यकता किसकी जननी होती है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, हम ऐसे ही बोलते हैं ना। तो हमें क्या पड़ी, जरूरत पड़ी। तो नेचर ने क्या किया, नेचर ने यूनिसेलुलर से क्या बनाया, मल्टीसेलुलर बनाया, ठीक है, थोड़े से एडवांस ऑर्गेनिज्म बनाए। अब जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, तो उनके अंदर क्या थी, सेल्स की क्वांटिटी ज्यादा थी। अब जब सेल्स की काउंटिंग ज्यादा थी, तो यहां पे क्या हुआ, मल्टीसेलुलर के अंदर दो या दो से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट थे। तो यहां पर जो फंक्शन था, ठीक है, जो भी परफॉर्म करना था, वो क्या हो गया, एक तरह से हम बात करें तो डिवाइड हो गया। अब जब ये फंक्शन डिवाइड हो गया, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया इनको, मल्टीसेलुलर बोल दिया। भाई इनके पास क्या है, ज्यादा सेल्स हैं, दो या दो से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट हैं, तो क्या कर रही है, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। और ये जो स्पेसिफिक फंक्शन है, उसमें हमें क्या देखने को मिला, उसमें हमें डिविजन ऑफ लेबर भी देखने को मिला, ठीक है। यानी कि देखिए, हर एक सिंगल सेल पर कोई बर्डन नहीं है, ठीक है, एक साथ में एक सेल और है जो क्या कर रही है, फंक्शंस को परफॉर्म कराने में एक कोऑर्डिनेट वे में, एक जॉइंट वे के अंदर काम करवा रही है, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोल दिया, मल्टीसेलुलर बोल दिया, है ना। तो यानी कि उसमें क्या है, बर्डन नहीं है, क्लियर? आई बात समझ में, चलो। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया, मैं इसको रब कर सकता हूं, चलिए। तो ये टैक्सोनॉमी के बारे में और जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पता लग ही गया है, ठीक है। अब चलो हम बात करते हैं यहां पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में भी, ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, भाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है, या असेलुलर भी हम बोल सकते हैं, जिनके अंदर हमें सेल्स देखने को नहीं मिलती। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, उसी की हम बात कर ले, है ना। चलो तो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी के हिसाब से हम बात करें, सो ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड मेनली इन टू टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से बात करें, एक तो जाएगा यहां पर यूनिसेल्यूलर, कैसा हो जाएगा, यूनिसेल्यूलर। दूसरा हम बात करें, यहां पर हो जाएगा मल्टीसेल्यूलर, क्या हो जाएगा, मल्टीसेल्यूलर, है ना। तो यूनिसेल्यूलर को हम क्या बोल लेते हैं, यूनिसेल्यूलर इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टीसेल्यूलर में
or more cells are present. More cells are present. ठीक है, तो यहां दो या दो से ज्यादा क्या है सेल्स यहां पर प्रेजेंट है, तो इसको हमने क्या बोल दिया यहां पे, मल्टी सेलुलर बोल दिया. क्लियर. चलो इसमें ये हम बात करें सिंगल सेल पे तो क्या होता है, इनमें नो डिवीजन लेबर इज प्रेजेंट, नो डिवीजन लेबर इज प्रेजेंट. जबकि मल्टी सेलर में हमें क्या देखने को मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट. आई बात समझ में? ठीक है. दे कैन परफॉर्म, दे परफॉर्म all functions, all body functions, all body functions with the help of single cell. ठीक है, single cell, and they perform all the body function, all the body function with more cells. ठीक है, यानी दो या दो से ज्यादा सेल इसके अंदर प्रेजेंट होगी. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज ए मल्टी सेलुलर. ठीक है, तो मल्टी सेलर में कौन आ गए, मल्टी सेलर की हम बात करें तो मल्टी सेलर में यहां पर हम लोग भी आ गए, है ना, और जो ऑर्गेनिज्म है लोअर हायर ऑर्गेनिज्म है वो भी आ गए. ठीक है, आई बात समझ में? चलिए फिर हम किसकी बात करें यहां पर, अगर एसेलुलर की भी हम बात करते हैं एसेलुलर में, तो इसमें कौन से जाएंगे, प्रोटोजोअन्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करें यहां पर अमीबा, ठीक है, और पैरामीशियम, ठीक है, क्लियर बात. तो ये चीज यहां पर क्लियर होती है. तो अब किसके हिसाब से बात करेंगे हम बात करेंगे यहां पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से. भाई अब जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो अगेन क्या होता है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है. ठीक है, चलिए तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में. ठीक है, चलिए. ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? क्लियर, नोट डाउन किया आपने? चलिए तो यहां पर हमने इसकी बात कर ली. चलो अब हम किसकी बात करेंगे, हम यहां पे बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की. तो ये आपने नोट डाउन कर ही रखा है. ठीक है, चलिए तो मैं इसको रब कर देता हूं यहां पे. तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर भी क्या होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो हमें कवर अप करने हैं. ठीक है, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हम बात करेंगे किसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की. किसकी बात करेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे, है ना. चलो तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम यहां पर कवर अप कर लेते हैं. क्लियर बच्चों, चलिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टॉक अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी हम लिख सकते हैं, ऑन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, चलो तो सबसे पहले आपको भी पता है कि भाई हमारी बॉडी जो है या ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है. ठीक है, तो यहां पर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा फर्स्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पहला पॉइंट क्या हो जाएगा यहां पर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्या आ जाएगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे. चलिए, यानी कि बॉडी का जो लेवल है, मतलब सेल का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, भाई सेलुलर लेवल का है, टिश्यू लेवल का है, ठीक है ना, ऑर्गन लेवल का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का है,
ठीक इस तरह से। तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो लेवल को होता है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, वही डिसाइड करता है। यानी कि हम सब किससे मिलकर बने, सेल से मिलकर बने हुए हैं। और सेल्स क्या होती हैं, सेल्स एक प्रकार से हम बात करें एक स्पेशल, हम कहते हैं कि एक फॉर्म है जो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, एक सेल्स की जो हम बात कर रहे हैं। तो चलिए, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें भाई, किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। सेकेंड हम बात करेंगे इसमें इसकी सिमिट्री के बारे में, किसके बारे में, सिमिट्री के बारे में, ठीक है। अब सिमिट्री से हमारा क्या मीन होता है, सिमिट्री से मन है कि भाई इनके अंदर जो सिमिट्री है वो कैसी है, ये एसिमिट्रिकल है, ठीक है, या फिर ये इनके अंदर रेडियल सिमिट्री देखने को मिलती है, या इनके अंदर बाइलेटरल सिमिट्री देखने को मिलती है, या बायरेडियल सिमिट्री देखने को मिलती है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म उनमें सिमिट्री कैसे होगी उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। थर्ड हम बात करें यहां पर तो जर्म लेयर की, जर्म लेयर आप सभी जानते हैं, जर्म लेयर क्या है, किसकी बात करेंगे हम, जर्म लेयर की बात करेंगे। तो जर्म लेयर क्या है, जर्म लेयर यहां पर आपकी जर्माइनल लेयर से बिलोंग करती है, किससे करती है, जर्माइनल लेयर से। तो तीन तरह की जर्म लेयर होती है, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो इन्हीं से क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म बनता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। फोर्थ हम बात करें यहां पर तो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सिमिट्री हो गई, जर्म लेयर हो गया। चौथी हम बात करेंगे यहां पर बॉडी कैविटी के बारे में, ठीक है, यानी कि क्या है ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैविटी कैसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिफ्थ हम बात करेंगे इसके बॉडी प्लान के बारे में, भाई बॉडी प्लान जो है वो ऑर्गेनिज्म का कैसा है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, इसके सेगमेंटेशन के बारे में, भाई इसकी बॉडी में जो सेगमेंट है या नहीं है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या होगा, बॉडी सेगमेंटेशन, बॉडी सेगमेंटेशन, ठीक है। और फाइनली हम किसकी बात करेंगे, भाई इसमें प्रेजेंस है या नहीं है, किसकी, नोटोकोड के बारे में, किसकी बात करेंगे, नोटोकोड के बारे में। ये जो नोटोकोड है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि हम किसकी बात करते हैं, अभी हम एनिमल किंगडम में जो पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर नॉन कॉर्डेट के बारे में, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये भी मेंशन कर सकते हैं कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, यानी कि जो नॉन कॉर्डेटाज हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो हायर फाइलाज आएंगे वो किस में आएंगे, कॉर्डेटा के अंदर आएंगे, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड सिंपली हम कह सकते हैं कि नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच की क्या है, एक तरह से एक कहते हैं कि यू कहते हैं ना, सिंपल एक कड़ी है, एक जॉइंट है, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन करता है, जो नोटोकॉर्ड है ये डिफरेंशिएट करता है नॉन कॉर्डेट को और कॉर्डेट को, ठीक है। सो क्या कहते हैं हम, डिफरेंशिएट Differentiate the chordata and the non-chordata. Non-chordata, ठीक है। तो ये differentiate करता है किसको, chordates को और non-chordates को। आई बात समझ में, चलो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब ये हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर ली, भाई इस हिसाब से जो है हमने हर एक ऑर्गेनिज्म को जो है इन्हीं कैटेगरी के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ और उन्हीं के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर तो यहाँ तक तो मेन हो गया, फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। क्या बात करेंगे हम, सर्कुलेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, फिर इसकी जो और ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीशन हो जाएगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है, इन सब को हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन जो हमारे पॉइंट है वो कहां तक है, यहीं तक है, सेवन, नोटोकॉर्ड तक, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हो गया फर्स्ट, फिर सिमिट्री हो गई, फिर जर्म लेयर हो गया, फिर बॉडी कैविटी हो गई, देन बॉडी प्लान हो गया, बॉडी सेगमेंटेशन हो गया, और फाइनली नोटोकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होंगे शुरू, इसके बाद शुरू होंगे हमारे फाइलास, कहाँ कहाँ से, फर्स्ट फाइला कहाँ से स्टार्ट होगा,
पॉलीफेरा स्टार्ट होगा। तो पहले ये जो अरेंजमेंट है इनका ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? चलिए, तो ये आपने नोट डाउन किया, मैं इसको रब कर सकता हूं। चलिए, अब हम किसकी बात करने वाले हैं? फर्स्ट हम लेने वाले हैं यहां पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑलरेडी हम इसके बारे में भी वर्बली जो है डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि अरेंजमेंट जो होता है सेल्स का, उसी की हम यहां पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, चलिए फर्स्ट इसमें हम बात करें तो पहला, अभी हमने यूनिसेलर की बात कर ली थी, इसमें अमीबा पैरामीशियम है, इसको हटा दीजिए। हम बात करते हैं सेल पर, यानी कि सेल। तो सबसे पहले क्या बनी? सेल्स बनी। ठीक है, सेल ही लिख लीजिए सिर्फ, सेल। सेल ने आपस में जॉइंट होके, कोऑर्डिनेट होके क्या बनाया? टिश्यू को फॉर्म किया। तो सेल ने क्या फॉर्म किया यहां पर? टिश्यूज को फॉर्म किया। ठीक है, फिर आपस में टिश्यू ने क्या करी? ग्रुपिंग करी। टिश्यू ने ग्रुपिंग करके क्या फॉर्म किया यहां पर? जो है सेल, देन टिश्यू, देन फिर क्या बना? एक ऑर्गन बना। ठीक है, अब यहां पर जो ऑर्गन बना, ऑर्गन ने भी क्या करी? अगेन ग्रुपिंग करी। क्या बना दिया? एक ऑर्गन सिस्टम बना दिया, ऑर्गन सिस्टम बना दिया। ठीक है, तो सेल से बने टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। ठीक है ना, फिर क्या हुआ? इनसे मिलकर, इन सभी से मिलकर यहां पे क्या बन गया? एक कंप्लीट जो है ऑर्गन सिस्टम, और फिर ये ऑर्गेनिज्म का सिस्टम बन गया। सेल हो गया, टिश्यू हो गया, टिश्यू से क्या हुआ? ऑर्गन बना, ऑर्गन से कंपाइल होकर ऑर्गन ने क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम बनाया, और कंप्लीटली क्या बन गया? एक ऑर्गेनिज्म बन गया। और फिर क्या बन गया इससे? कंप्लीट ऑर्गेन सिस्टम से फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया। आई बात समझ में? क्लियर है? क्या क्या हुआ यहाँ पे? सेल लेवल पे हुआ, टिश्यू लेवल पे हुआ, ऑर्गन लेवल पे हुआ, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हुआ। क्लियर है? चलिए, यहां तक की बात समझ में आती है। अब देखिए, सेल लेवल की हम बात कर रहे हैं तो सेल लेवल पे क्या होंगे? यहाँ पर सेलुलर लेवल होगा। तो सेलुलर लेवल कैसे है यहाँ पर? सेलुलर लेवल में किसमें देखने मिलता है? यहाँ पर हमने सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हमारे पहले फाइला जो कौन सा है? पॉलीफेरा है। तो यहाँ पर क्या होगा? हमें सेल जो है, सेल्स आर लूजली एंड एग्रीगेट फॉर्म के अंदर मिलेंगे। लूजली एंड एग्रीगेट, एग्रीगेट फॉर्म। ठीक है, कैसे? एक दूसरे पर बिखरे हुए, लेटे हुए बोल सकते हैं हम। तो सेल्स आर लूजली एंड एग्रीगेटेड फॉर्म। ठीक है, किसके अंदर बात करेंगे? फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें यहां पर, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? स्पंजेस हो जाएगा, जो किसका पार्ट है? पॉलीफेरा का स्पंजेस। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो सेल्स आर लूजली अरेंज्ड एंड एग्रीगेटेड फॉर्म के अंदर होते हैं, एक दूसरे पर लेटे हुए रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। इसको हमने क्या बोला? स्पंजेस बोला, जो किससे बिलोंग कर रहा है? पॉलीफेरा से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलिए, पॉलीफेरा की बात आ गई। फिर अब पॉलीफेरा के बाद क्या है? टिश्यू लेवल की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो चलो टिश्यू लेवल में क्या आ जाएंगे यहाँ पर? टिश्यू लेवल के अंदर आ जाएंगे आपके नेक्स्ट फाइला कौन कौन से? पॉलीफेरा के पास सिलेंटेटा और टीनोफोरा। ठीक है, तो इनमें कैसा मिलेगा? द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स आर इन ग्रुप्ड एंड फॉर्म दी एंड फॉर्म दी टिश्यू। तो क्या कर रही है? टिश्यू फॉर्म कर रही है। तो ये किसके अंदर देखने को मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल हमें यहां पर ये आ जाएगा हमारे टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा। किसमें आ जाएगा? टीनोफोरा में और सिलेंट्रेटा में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, फिर हम नेक्स्ट बात करें किसकी? ऑर्गन लेवल की। अब देखो, ऑर्गन लेवल क्या हो गया यहां पर? जो है ऑर्गन लेवल और एडवांस हो गया। तो वो किसमें देखने को मिलेगा हमें? एडवांस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो द अरेंजमेंट ऑफ
tissue are grouped together and form and formed organ. ठीक है, तो ये क्या हो गया, organ को form कर दिया. तो ये किस में देखने को मिलेगा, ये हमें और जो हाइला फाइला है उनके अंदर की पॉलीफेरा सिलेंटेटा, फिर उसके बाद किसकी बात करेंगे हम, प्लेटी हेलमेंथीस की बात करेंगे. तो किस में देखने को मिलेगा, प्लेटी हेलमेंथीस. ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें और अगेन, तो ये किस में आ जाएगा, और जो फाइलास होंगे उनके अंदर क्या होगा, कंप्लीट जो ऑर्गन होगा वो किसको फॉर्म करेगा, एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करेगा. यानी कि एक सिस्टम हुआ तो अब क्या होंगे, बहुत सारे सिस्टम आपस में क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे और एक क्या बनेंगे, पूरा एक ऑर्गेनिज्म का सिस्टम बना लेंगे, कंप्लीट एक ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे. सो द कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म्ड. ठीक है, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्ड हो जाएगा. ठीक है, और उससे क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. एंड कंप्लीट ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड. क्या हो गया यहां पे, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड हो गया. ठीक है, अब ये किसमें आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें यहां पर, तो ये आ जाएगा आपका एनालिट से लेकर एनालिडा से एनालिडा टू कॉडेटा. ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल का, हम बात करें कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की नहीं बात करें, हम सिर्फ ऑर्गन सिस्टम को कंसीडर करने चलिए यहां पर. ठीक है, सिर्फ ऑर्गन सिस्टम को कंसीडर कर लेते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो हमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा वो कहां देखने को मिलेगा, वो हमें इसके अंदर, इनके अंदर देखने को मिलेगा. क्लियर है, आई बात समझ में, चलिए. ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम बात करते हैं. क्लियर, ठीक है बच्चों, नोट डाउन किया आपने, चलिए. तो यहां पर हमने हमारा कंप्लीट किया, कौन सा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात कर ली. क्लियर, चलो सेकंड हम किसकी बात करेंगे, आप सिमेट्री की बात करेंगे. ठीक है, चलिए तो मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों, क्योंकि हम यहां पर एक एक पॉइंट लेने वाले हैं. अब सिमेट्री, अब देखिए सिमेट्री से हमारा क्या मीन है, सिमेट्री यानी कि सिमेट्री से मतलब बॉडी के सिमेट्रिकल कल होना. ठीक है, बॉडी के सिमेट्रिकल होने से मींस क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी के सिमेट्रिकल होने से मीन ये हो जाएगा भाई कि इसके अंदर अगर हम मान लीजिए किसी सेंट्रल एक्सिस से, सेंट्रल एक्सिस से हम कोई प्लेन गुजारते हैं. ठीक है, हमने क्या करा, सेंट्रल एक्सिस से कोई प्लेन गुजारा, तो वो इसकी बॉडी को क्या करे, इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड कर दे. क्या कर दे, इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड कर दे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, यहां पर सिमेट्री बोल देंगे. अब सिमेट्री कितनी कितनी हो गई भाई, सिमेट्री हो गई एक तो एसिमेट्री हो गई, दूसरी कौन सी हो गई, यहां पे रेडियल सिमेट्री हो गई, और तीसरी कौन सी हो जाएगी, बाई लेटरल सिमेट्री हो जाएगी. ठीक है, चलो तो सेकंड हम बात करें यहां पे किसकी, सिमेट्री के बारे में. सेकंड क्या हो जाएगी यहां पर, सिमेट्री हो जाएगी. ठीक है, चलिए तो सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, वेन वेन एनी प्लेन, when any plane can divided the organism, when any plane can divided the organism between the, can any plane, when any plane can divide the organism between the two equal halves, organism can divide the organism in two equal halves, लिख सकते हैं हम, in two equal halves is called as symmetry, is called as सिमेट्री. ठीक है, चलिए अब सिमेट्री भी यहां पे कितनी बताई गई है आपको, तीन तरह की सिमेट्री है. पहली हम बात करें यहां पे एसिमेट्री की, यानी सिमेट्री की डेफिनेशन हमने देख ली भाई, किसी भी जो है सेंट्रल एक्सिस से हम बात करें, व्हेन एनी प्लेन कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इन टू इक्वल हाफ एंड एनी इक्वल हाफ ऑफ द सेंट्रल एक्सिस,
समझ जाइएगा आप, ऑफ सेंट्रल एक्सिस हम लिखते हैं, फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, चलो इसको कॉल्ड एज ए सिमेट्री, क्लियर। नाउ फर्स्ट हम बात करें किसकी, फर्स्ट हम यहां बात करेंगे ए सिमेट्री की, किसकी बात करेंगे, ए सिमेट्री, ठीक है। अब देखो ए सिमेट्री से क्या मीनिंग है बच्चों हमारा, ए सिमेट्री से हमारा मीनिंग निकल कर आता है यहां पर कि ऐसा प्लेन, यानी कि व्हेन एनी प्लेन कैन नॉट डिवाइडेड बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ, दिस इज कॉल्ड एज ए सिमेट्री। सो व्हेन एनी प्लेन when any plane can't divide the body from the central axis into two equal halves, ठीक है, when any plane can't divide the body from the central axis into two equal halves is called as asymmetry, क्या बोल देंगे इसको हम, asymmetry बोल देंगे, क्लियर है। सपोज कीजिए, मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें किसकी, हम बात करें यहां पर स्पॉन्जेस की, ठीक है, तो स्पॉन्जेस में हमें क्या देखने मिलती है, स्पॉन्जेस किसका पार्ट है, पॉलीफेरा का पार्ट है, किसका है, पॉलीफेरा का, है ना, पढ़ेंगे हम आगे इसके बारे में भी और। तो अब सपोज कीजिए कि पॉलीफेरा जो है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, हमने बात करी भाई उसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से सपोज, तो ये पॉलीफेरा हो गया, ठीक है, यहां पर ये ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर हम कोई प्लेन निकालें तो हम इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, या फिर ऐसे हम बात कर लें भाई ये तो स्ट्रक्चर किसका हो गया, ये तो क्या है, पॉलीफेरा का स्ट्रक्चर हो जाता है, स्पंजेस हमने बनाया है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म मान लीजिए हमने इसको कंसिडर कर लिया कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है ना, तो इसको ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, इस तरह से है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको किसी भी तरह से अगर कट करें, इसको इसके प्लेन गुजारें, तो ये क्या होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर हमने मान लीजिए यहाँ से गुजारा तो ये क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, तो ये इस तरह से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एसिमेट्री दिखाएगा, एसिमेट्री दिखाएगा, आई बात समझ में, ठीक है। जबकि अगर हम किसकी बात करें, इसी में हम बात करें रेडियल सिमेट्री की, तो रेडियल सिमेट्री में क्या होगा, रेडियल सिमेट्री के अंदर जब किसी प्लेन से के सेंट्रल एक्सिस से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, टू इक्वल हाफ्स मिलेंगे, ठीक है, क्या मिलेंगे, टू इक्वल हाफ्स मिलेंगे। तो हम क्या बात करें, रेडियल सिमेट्री की बात कर लें, ये आपने लिख लिया, ठीक है, चलिए। सो रेडियल सिमेट्री, चलिए हम रेडियल सिमेट्री को यहाँ पर कवर अप करते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, इस तरह से क्या होगी, इसमें एसिमेट्री होगी, तो हम यहीं पे इसको रेडियल सिमेट्री को कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड हो जाएगी यहां पर रेडियल सिमेट्री, कौन सी हो जाएगी, रेडियल सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है, व्हेन any plane can divided, ठीक है, when any plane can divided the body from the central axis into
two equal halves, ठीक है, into two equal halves. तो इसको हम क्या बोल देंगे, it's called as radial symmetry. क्या बोल देंगे, रेडियल सिमेट्री बोल देंगे, ठीक है. थर्ड हम बात करें इसके अंदर, तो ये आपको विजिबल है, यहां तक विजिबल है आपको, इधर देखिए ये विजिबल है, ठीक है. चलो थर्ड हम बात करेंगे किसकी, बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में, ठीक है. तो बाइलेटरल क्या होगा, व्हेन एनी प्लेन कैन डिवाइड द बॉडी from the central axis of the body and we get a two same equal halves. When any plane can divided the body from the central axis, from the central axis which divide central axis which divide in two equal half into two equal half, okay. तो equal half मतलब बिल्कुल central से जो कट करे उसमें equal half, उसको हम क्या बोलेंगे, bilateral symmetry बोलेंगे, bilateral symmetry, जिसमें क्या होंगे, लेफ्ट और साइड दोनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे. सो लेफ्ट एंड राइट आर सेम, ठीक है. तो जैसे हम हमारी बात करें, अब देखिए अगर आप अपनी बॉडी को, मेरी बॉडी मान लीजिए, ठीक है, तो आप मेरी बॉडी क्या करेंगे, ऐसे कट करेंगे, तो क्या आपको बिल्कुल इक्वल हाफ मिल रहे हैं, नहीं, एक जैसे नहीं मिल रहे, ठीक है. लेकिन अगर आप बॉडी को सेंट्रल एक्सिस से इस तरह से आप कट करेंगे, तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों क्या मिल रहे हैं, सेम पार्ट मिल रहे हैं, ठीक है. तो इसको हम क्या बोल देंगे, बाइलेटरल सिमेट्री बोल देंगे, ठीक है. रेडियल सिमेट्री, यानी रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, किसी भी एक्सिस से कट करें तो हमें क्या मिले, टू इक्वल हाफ मिले. सपोज कीजिए आप कि हम बात करें कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये क्या हो गया, कोई हमने कोई ऑर्गेनिज्म बना लिया, ये एक ऑर्गेनिज्म हमने बना लिया, ठीक है, गोला है, ठीक है. इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कट करेंगे, ठीक है, तो हम इक्वल हाफ मिल रहे हैं, ऐसे कट करेंगे तो हमें इक्वल हाफ मिल रहे हैं, हम इसको ऐसे कट करेंगे तो हमें क्या मिल रहे हैं, इक्वल हाफ मिल रहे हैं, हम इसको ऐसे कट करेंगे तो भी हमें इक्वल हाफ मिल रहे हैं. तो यानी कि सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल सिमेट्री हो गई. कैसी हो गई, ये रेडियल हो गई, ठीक है. अब एक ऐसा है कि जिसको हम क्या करेंगे, ये हमने मान लिया ये है, अब इसको हमें सेम इक्वल हाफ चाहिए, लेफ्ट और राइट चाहिए, ठीक है. तो ये तो हमने क्या कर दिया, राइट कंसीडर कर दिया, ये हमने लेफ्ट कंसीडर कर दिया. अब हमें क्या चाहिए, इसका इक्वल चाहिए, तो बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस से क्या करेंगे, इसको हम बीच में से डिवाइड करेंगे. तो इस तरह की सिमेट्री को क्या बोल देंगे, हम बाइलेटरल सिमेट्री बोल देंगे. क्या बोल देंगे, बाइलेटरल सिमेट्री बोल देंगे. आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है. तो इस तरह से क्या होती है, हमारी बॉडी सिमेट्री जो है प्रेजेंट होती है. तो ये यहाँ पर जो है लोअर ऑर्गेनिज्म में, फिर ये हायर ऑर्गेनिज्म में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है हमें, और फिर मैमल्स में हमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिल जाती है. आई बात समझ में, चलो. तो ये पॉलीफेरा तक हो गई, फिर पॉलीफेरा के बाद यहाँ पे सिलेंटेटा और टीनोफोरा हो जाएगा, ठीक है. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनालाइट से लेके जो हम बात करें हायर ऑर्गेनिज्म तक जो है, वो यहाँ पर हमारी बायोलेटरल सिमेट्री शो करती है, ठीक है. आई बात समझ में, चलिए. तो ये हमारे दो कंप्लीट पार्ट हुए. नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हम बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हमारी जर्म लेयर के बारे में. किसके बारे में, जर्म लेयर के बारे में, ठीक है. तो ये आपने नोट डाउन कर लिया, मैं सेटअप कर सकता हूँ, चलिए. अब देखिए जर्म लेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं. तो जर्म लेयर क्या है, जर्म लेयर है हमारी जर्माइनल लेयर. कौन सी लेयर, जर्माइनल लेयर, ठीक है. तो जर्माइनल लेयर से हमारा क्या मीन निकल कर आता है, भाई जर्माइनल लेयर से हमारा मीन निकल के आता है कि यहां पर जो है बेसिकली जो हम हमारा जो और हम जब बने हैं, यानी कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन की बात करें, तो हमारी पूरी पूरा बॉडी स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना है, जर्म लेयर से मिलकर बना है, ठीक है. जब हमने ब्रेन को कवर किया था तब भी हमने बात करी थी भाई एक्टोडर्मल है, ठीक है ना. फिर हमने बात करी थी भाई हार्ट कैसा है, हार्ट कैसा हमारा बना, इसके कैसा है, ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, यानी कि हम यहाँ पे ओरिजिन की बात कर रहे हैं. फिर हमने टीथ की भी बात करी थी, टीथ कैसे हमारे, एक्टो मेसोडर्मल होते हैं,
ठीक है ना। तो ये एक्टो मेसोडर्मल क्यों होते हैं, इनेमल वाला पार्ट अलग है और फिर डेंटेम वाला पार्ट अलग होता है, आई बात समझ में। तो इस तरह से क्या है, पूरी बॉडी के अंदर अरेंजमेंट होता है किसका, यहां पर ऑर्गेनिज्म का, भाई किस किस से कौन कौन से बॉडी के जो है वो ऑर्गन्स जो है डेवलप हुए हैं। तो यहां पर क्या बोलते हैं, ओरिजिन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं जर्म लेयर की, ठीक है। तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर थर्ड हो जाएगी हमारी जर्म लेयर, ठीक है। तो थर्ड इज जर्म लेयर, ठीक है। तो मेनली जर्म लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज जर्माइनल लेयर, क्या बोलते हैं इसको हम, जर्माइनल लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी जाएगी यहां पर, मेनली थ्री टाइप्स ऑफ जर्म लेयर आर प्रेजेंट, मेनली थ्री टाइप्स ऑफ जर्म लेयर आर प्रेजेंट, ठीक है। फर्स्ट कौन कौन सी जाएगी, फर्स्ट हम बात करें यहां पर एक्टोडर्म, ठीक है। सेकंड हम बात करें यहां पर मीजोडर्म, ठीक है। और थर्ड हम बात करें यहां पर कौन सी हो जाएगी, एंडोडर्म, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसमें भी दो कैटेगरी की हम बात करें तो यहां पे कौन से होंगे, देखिए कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा वो केवल सिंगल जर्म लेयर से मिलकर नहीं बनेगा, ठीक है। किससे नहीं बनेगा, सिंगल जर्म लेयर से मिलकर बिल्कुल नहीं बनेगा, क्लियर। तो ये किससे मिलकर बनेगा, कम से कम जो दो जर्म लेयर है वो यहां पर प्रेजेंट होनी चाहिए, उन्हीं से ये मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि उस कंडीशन में हम ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, दो जर्म लेयर से मिलकर बना हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, डिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा, ठीक है। यानी कि एक सिंगल जर्म लेयर से कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होता। सो विद द सिंगल जर्म लेयर, द सिंगल जर्म लेयर विद द सिंगल जर्म लेयर नो ऑर्गेनिज्म इज डेवलप, नो ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड required required minimum two germ layer, ठीक है। यानी कि ectoderm और endoderm दोनों होनी ही चाहिए, क्लियर है। चलो तो अब इसके अंदर हम बात करें किसकी, अगर दो germ layer से मिलकर कोई organ बना तो उसको हम क्या बोलेंगे, diploblastic, ठीक है। तो first हम बात करें किसकी, first हो गया यहां पर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में बात कर लें, तो डिप्लोब्लास्टिक तो इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ टू जर्म लेयर फर्स्ट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। तो ये किसमें देखने को मिलता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जहां पे क्या होगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर ये बना हुआ होगा, ठीक है। फिर हम बात करें सेकेंड यहां पर किसकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक की, क्योंकि जर्म लेयर कितनी है यहां पर, तीन जर्म लेयर प्रेजेंट है, तो हम किसकी बात करेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो क्या होगी, एनी ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड फ्रॉम ऑल थ्री जर्म लेयर, ऑल थ्री जर्म लेयर्स इज कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि तीन लेयर से मिलकर बने थे, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। आई बात समझ में, कौन कौन सी हो गई, एक्टोडर्म हो गई, मीजोडर्म हो गई और एंडोडर्म हो जाएगी, क्लियर है। चलो तो ये कैसे हो गए ट्रिप्लोब्लास्टिक, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें हायर ऑर्गेनिज्म,
ठीक है, क्लियर। कौन से हो गए? हायर ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, जिसमें हम बात करें मैमल्स आ गए, क्लियर। चलो तो ये क्या हो गई हमारी जर्म लेयर यहां पे होती है। अब देखिए जर्म लेयर कैसी, एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म। तो सबसे पहले क्या बनती है, सबसे पहले बनती है यहां पर एक्टोडर्म, ठीक है ना, पहले एंडोडर्म बनती है, फिर एक्टोडर्म, पहले एंडोडर्म फिर एक्टोडर्म देन मेसोडर्म, यानी कि तीसरे नंबर पर जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, यहां पर मेसोडर्म जो है वो फॉर्म होती है, क्लियर है, ठीक। चलिए तो अब कैसे होगी इंटरनली, अगर हम बात करें आपको आपके स्ट्रक्चर दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, तो स्ट्रक्चर कैसा किस तरह से है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये आपने लॉक डाउन कर लिया, मैं इसको रब कर दूं, क्लियर। चलिए तो आपके एनसीईआरटी के अंदर जो अरेंजमेंट दे रखा है किसका, यहां पर जो जर्म लेयर के बारे में बता रखा है, तो इसमें क्या होती है मेनली जो मिड वाला पार्ट है वो क्या होता है, मेसोग्लिया होती है। क्या होती है, तो मेसोग्लिया प्रेजेंट होती है। अब ये मेसोग्लिया क्या है, मेसोग्लिया कह सकते हैं कि हम एक तरह से मिड पार्ट होता है जो मेसोडर्म नहीं है, लेकिन कैसा होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। सपोज कीजिए आप यहां पर ये हम इस तरह से थोड़ा छोटा बना लेते हैं इसको, हम ज्यादा बड़ा बनाने का कोई मीन नहीं है। सपोज ठीक है, चलिए एक स्टेज हमने ये बनाया, एक हम ये बना लेते हैं, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। चलिए थोड़ी सी अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये इस तरह से अरेंजमेंट, फिर इस तरह से अरेंजमेंट होगा, यहां पे भी हम बात करें तो अरेंजमेंट कैसा है, कुछ इस तरह से, फिर कुछ इस तरह से, ठीक है। चलो तो हम यहां बात करें किस किस की, हम बात करें डिप्लोब्लास्टिक की और टिप्लोब्लास्टिक की, तो यहां पे दो लेयर बनी हुई है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। और यहां पे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये क्या हो गया डिप्लोब्लास्टिक और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्लियर। चलो अब देखो यहां पर क्या है, सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसे है, इस तरह से अरेंजमेंट होता है, ये देखिए क्या है, ये यहां पर क्या है, सेल्स का आपको अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहां पर सेल्स का अरेंजमेंट है, ठीक है, ये क्या हो गया, यहां पे सेल्स का अरेंजमेंट आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये देखिए आप, ठीक है, ये सेल्स का अरेंजमेंट है। तो बाहर को तो हमने क्या बोल दिया, ये बाहर तो क्या हो गया, यहां पर एक्टोडर्म हो गया, ठीक है, आई बात समझ में। अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ एंडोडर्म है, यानी कि ये जो लेयर है इसकी हम बात करें, ये क्या हो गई, ये एंडोडर्म हो गई, ठीक है। चलिए तो इसको हम बना लेते हैं, ये क्या हो गई एंडोडर्म, तो यहां पर क्या है, सेल का अरेंजमेंट है, ये यहां पे क्या है, इस तरह से यहां पे सेल का अरेंजमेंट इसमें प्रेजेंट है, आई बात समझ में, क्या यहां पर सेल का अरेंजमेंट हो गया, क्लियर। चलिए तो कुछ इस तरह से, ये और ये बीच का स्पेस हो गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है बच्चों, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, डायग्राम तो आपको पता ही है, हमें अच्छे से ही कवर अप करने हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये एक्टोडर्म हो गया और ये अंदर वाला कैसा हो गया, ये एंडोडर्म हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या, ये बीच वाला जो पार्ट है ये क्या है, खाली है ना, तो क्या बोलेंगे, इस जो बीच वाला पार्ट है ये खाली पार्ट है,
ठीक, तो यहाँ पे क्या केवल दो जर्म लेयर काम कर रही, तो उसको हमने क्या बोल दिया, डिप्लोब्लास्टिक बोल दिया। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो सेल्स का अरेंजमेंट होगा वो कैसे होगा, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करें तो यहाँ पर जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो कैसा है, तीन लेयर होंगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये लीजिए यहाँ पर हम तीन लेयर बनाने वाले हैं इस तरह से। आई बात समझ में, क्या हो गया यहाँ पे, तीन लेयर हैं। ठीक है, अब अंदर की तरफ बनाए हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर भी क्या होगा, सेल्स का अरेंजमेंट होगा। ठीक है बेटा, एक अलग कलर की चौक ले लेते हैं हम, एक सेकेंड। ठीक है चलिए, तो यहाँ पर हमने बनाया अरेंजमेंट, तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है चलिए, ये अरेंजमेंट हो गया इस तरह से। ठीक है, ये अरेंजमेंट हो गया। ये देखिए आप, ठीक है, ये अरेंजमेंट हो गया। और अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, अंदर की तरफ हो जाएगा यहां पर एंडोडर्म वाला पार्ट। ठीक है, तो अंदर क्या हो जाएगा, यहां पर एंडोडर्म बना लेते हैं हम। ठीक है, तो ये चलिए बीच वाला पार्ट ऐसे हो गया छोटा सा, और इसको हमने क्या बना दिया, यहां पर एंडोडर्म बना दिया इस तरह से। यहां पे क्या हो गया, ये सेल्स का अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहां पे तीनों क्या हो गए, तीनों लेयर बन गई, कौन सी, एक तो एक्टोडर्म, ठीक है, बीच वाली हम बात करें तो ये कौन सी हो गई, एंडोडर्म। ठीक है, और ये कौन सी हो गई बीच में, ये हो गई यहां पे जो पूरा हिस्सा बना हुआ है, ये पूरा कंप्लीट, ये एंडोडर्म बोलेंगे इसको हम। ठीक है, और ये बाहर की तरह बना हुआ ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोल देंगे, मीजोडर्म बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे, मीजोडर्म बोल देंगे। ठीक है, और ये जहां जिस पे से खाली है इसको हमने क्या बोलिया, ये मीजोग्लिया कहलाता है। क्या कहलाता है ये वाला पार्ट, इसको हम बोल देंगे मीजोग्लिया। मीजोग्लिया, क्लियर है, आई बात समझ में। ठीक चलो, तो इस तरह से क्या होता है, कुछ अरेंजमेंट होता है यहां पर किसका, जर्म लेयर्स का। ठीक है, तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो मिनिमम टू जर्म लेयर से मिलकर बना हुआ होगा, और हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें तीनों जर्म लेयर्स, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, यानी कि सीक्वेंस की बात करें तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों जर्म लेयर्स यहां पर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जैसे कि आपको अरेंजमेंट यहां पर दिखाई देते, इन तीनों को मिला के हम क्या बोल देंगे, जर्माइनल लेयर, जर्माइनल लेयर्स। क्लियर, आई बात समझ में। ठीक है चलिए, तो आप इसे ड्रॉ कीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं यहां पर इसकी बॉडी कैविटी के बारे में। ठीक है, या फिर बॉडी प्लान भी बोलते हैं, बॉडी प्लान अलग हो जाएगा, बॉडी कैविटी अलग हो जाएगी। ठीक है चलिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, नोट डाउन किया आपने, चलिए अब देखिए, अगर इसमें हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक में हमारे कौन से आ जाएंगे, यहां पर हम बात करें, यहां पर हम सिलेंटेटा से लेके प्लेटिहेलमिंथिस तक कौन सा जाएंगे, यहां पर सिलेंट्रेट्स टू प्लेटिहेलमिंथिस। ठीक है, फिर डिप्लोब्लास्टिक की हम बात करें तो एनालिट से लेके कॉर्डेट तक हो जाएंगे, एनालिट्स टू कॉर्डेट्स। ठीक है, आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे हम बॉडी कैविटी और बॉडी प्लान के बारे में। ठीक है चलो।